प्रदेश में जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ा उस समय से जन मानुष सेवा दल कांगड़ा द्वारा दिन रात लोगों की सेवा की जा रही है। कोरोना से पीड़ित होम आइसोलेट लोगों को जहां फ्री ऑक्सीजन दी जा रही है, वहीं सभा द्वारा आज से गरीब व मजदूर लोगों को राशन देना शुरू कर दिया है। सभा के सदस्य ने बताया कि आज तक 100 के करीब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे चुके हैं और अब किसी भी मजदूर व जरूरतमंद को किसी भी चीज की जरूरत है, उनके लिए सभा दिन रात सेवा करने के लिए तैयार है। आज जो हम दोबारा एक सेवा और शुरू कर रहे हैं जनमानस सेवा दल की तरफ से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हमने यहाँ ऑक्सीजन की सेवा शुरू की थी। आज तक तकरीबन हम 100-150 लोगों को ऑक्सीजन की सेवा दे चुके हैं, ऑक्सीमीटर दिए हैं, जिसकी किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर था तो उसके पास फ्लो मीटर नहीं था वो भी दिए हैं। आज से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं कि जो जरूरतमंद परिवार है, जहाँ तक प्रशासन और कोई लोग नहीं पहुँच सके हैं, वहाँ हमारी आज संस्था आज पहुँच कर उन लोगों तक सहायता पहुँचाएगी। हमने एक किट जो एक एक किट दे रहे हैं उन्हें हमने एक एक परिवार को आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमारे दल के सदस्य वहाँ घर पर जाकर उनको राशन देंगे आज, ताकि उनको हम यहाँ अपने ऑफिस में बुलाएंगे। इस जो हम ये सामान दे रहे हैं इसमें दालें हैं, तेल है, चीनी है, साबुन है, चाय पत्ती है, दलिया है और भी सैनिटाइजर है, बच्चों के लिए भी है कुछ सामान। ये हम आज से अपनी सेवा शुरू कर रहे हैं। जब तक हम इस सेवा को निभा सकेंगे तब तक हम इस सेवा को निभाते रहेंगे। ये सेवा जो हम कर रहे हैं ये कोरोना के जो सताए हुए लोग हैं स्पेशल उनके लिए नहीं है, परंतु जो लोग मजदूरी करते थे, कोई बूट पॉलिश करता था, कोई लकड़ी चीरता था, जो भी आज काम धंधे सब कुछ बंद हो गए हैं, उन लोगों के लिए हमारी सेवा जो है वो जा रही है। और जो जरूरतमंद कोरोना पेशेंट भी होंगे उनको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको भी हम ये सुविधा जो है राशन जो है वो घर जाकर के देंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि कोई भी जो जरूरतमंद है हमारे पास नहीं आएगा, हम उसे खुद हमारी संस्था आइडेंटिफाई करके उनको घर जाकर के ये सामान देंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कांगड़ा से पंकज ओवरे की रिपोर्ट। विठल जी, आप वर्तमान में प्रदेश सरकार के कार्य को कैसे देखते हैं? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आप सब प्रेस के साथियों का स्वागत करना चाहूंगा, साथ ही साथ मैं विठल भारद्वाज, प्रदेश युवा कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता एवं भटियात युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष, आपके इस प्रश्न से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों पे कुशल मंगल होंगे। आज प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, सरकार की जो कार्य हो रहा है सरकार में, हमारे हिसाब से वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में, देश में लोग लाखों की तादाद में खत्म हो रहे हैं, कई लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारों के साथ छल किया जा रहा है, गरीब लोगों के साथ छल किया जा रहा है। आज से एक दो दिन पहले उचित मूल्य की दुकानों पे, डिपुओं में, सरकारी डिपुओं में जो राशन है उसको महंगा कर दिया गया है, जिससे गरीब आदमी की कमर टूट जा रही है। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ राशन का महंगा होना, ये दोनों चीजें बेबसी और लाचारी दिखाती हैं। और प्रदेश सरकार आपदा में अवसर का कोई भी जरिया नहीं छोड़ रही। आपदा में अवसर अगर जिस किसी सरकार ने बनाया है तो मेरे हिसाब से वो हिमाचल सरकार है।